ये एक षड्यंत्र था जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन को उस वक्त स्थगित किया, रोका और कहा कि उनकी बीमारी के कारण। और फिर जब शोर पड़ा इस चीज पे ज्यादा, फिर कह दिया हम 6 तारीख तक इसको स्थगित करते हैं। पहले तो टाइम नहीं दिया, फिर कहते हम 6 फरवरी तक इसको स्थगित करते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या बन गई है यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ 35 लोगों के बीच में? लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह हम कहते हैं सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ वोटें डाली जाती हैं, 35 के लिए लॉ एंड ऑर्डर? क्या चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन इतनी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम है, इतनी निकम्मी है? बिल्कुल क्लियर है, हमारे लोग साथ इकट्ठे हैं, कहाँ है इनके पास नंबर्स? लेकिन मुझे भी ताज्जुब हो रहा है जो बात आपने कही, इनके तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी आयोग में वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि कुछ भी होगा हम चुनाव जीतेंगे। कहाँ से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, या क्या और गड़बड़ उनके दिमाग में है? 16 तारीख को जो तमाशा इन्होंने किया, हमारे जो कैंडिडेट मेयर के लिए थे जसवीर बंटी, इन्होंने विड्रॉ करने के लिए वहाँ आए थे, 1.5 घंटा सेक्रेटरी नहीं पहुंचे, जब उनको बुलाना नहीं बनता था, लेकिन हम फिर भी गए पालना करना चाहते थे आदेशों का। वहां उनके पिताजी को बरगलाकर गलत फलत उनको बढ़ाकर कि अभी लड़के को किडनैप कर रखा है, वो वहां गए तो देखा वहां खेल रहा है लड़का। राजनीति में आए दिन हो रहे खुलासे शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, खास तौर पर मेयर चुनाव। आए दिन कोई ना कोई पार्षद किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, हर पार्टी का दावा है कि मेयर उनका बन रहा है। ऐसे जनता के कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ अनुभवी नेता दे सकते हैं। एक ऐसे ही अनुभवी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद चंडीगढ़ पवन कुमार बंसल आज हमारे बीच में आए हैं। आज इनसे हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो कि जनता जानना चाह रही है लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। सर नमस्कार। सर, बीजेपी का दावा है कि मेयर चुनाव पर 3 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, ये कितना सच्चा दावा है? आप खुद देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने 14 काउंसलर्स हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो 15 बनते हैं। इधर कांग्रेस के साथ आप आम आदमी पार्टी के 13, हम दोनों इकट्ठे हुए हुए हैं, दोनों मिला के 20 बनते हैं। 20 के मुकाबले में 15 कैसे जीत जाएंगे? वो उन्होंने ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी बदले, कोई नहीं बदल रहा, उन्होंने इतने दिनों यही प्रयास करते रहे और इसी कारण उन्होंने जो चुनाव 18 तारीख को फिक्स हुआ था उससे पहला 16 तारीख को काफी उधर तमाशा किया कॉरपोरेशन में, जब हमारे कैंडिडेट को बुलाया गया कि आप अपने विड्रॉल फॉर्म दूसरी बार दो, अपना एप्लीकेशन पहला वाजब था उसको रिजेक्ट नहीं हुआ करता वो, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया अफसरों का इस्तेमाल करते हुए, वहां अफसर पहुंचे नहीं, वो बीमार पड़ गए, जैसे बाद में उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गए, तो उस वक्त तमाशा किया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन जब 18 तारीख थी, हमारे लोग पूरे समय पे पहुंचे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि आज क्या फैसला हो रहा है। फैसला ये था कि आज इलेक्शन स्थगित होंगे, इलेक्शन नहीं हुए और उस मौके पे वहाँ एक अजीब सी सिचुएशन इन्होंने पैदा की, जब ये कह दिया कि जो श्री अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बीमार हो गए, उनकी बैक पे दर्द हो गया, और यहाँ डिप्टी कमिश्नर और उन्होंने 2 अलग अलग तरह के बयान दिए, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट्री। वो कह रहे हैं कि मेरे कई दिनों से बैक पेन हो रही थी, और डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि मेरे को मौके पे पता लगा तो मैंने इस कारण कोई समय नहीं था मेरे पास, किसी और को अपॉइंट कर देता। मान लीजिए डिप्टी कमिश्नर को घंटा और बाद में पता लगता, मीटिंग में बैठ जाते ना सारे, मीटिंग में जो लोग हाजिर होते और वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना पहुंचा होता जिसको बनाया था सिर्फ एक चुनाव कराने के लिए मेयर का, दूसरे जो मेयर नए बन जाते हैं वो करवाते हैं इलेक्शन, तो अगर वो वहां पहुंचते ना किसी कारण तो क्या होता, मीटिंग स्थगित होती, एकदम किसी और को वहां उसके लिए नामजद किया जाता, वो वही इलेक्शन करवा देते, सिर्फ बैठना होता है उन्होंने, इलेक्शन लोगों ने वोटें डालनी होती है, अपने 35 ने वो वोटें डालते। ये एक षड्यंत्र था जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन को उस वक्त स्थगित किया, रोका और कहा कि उनकी बीमारी के कारण। और फिर जब शोर पड़ा इस चीज पे ज्यादा, फिर कह दिया हम 6 तारीख तक इसको स्थगित करते हैं, पहले तो टाइम नहीं दिया, फिर कहते हम 6 फरवरी तक इसको स्थगित करते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या बन गई है यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ 35 लोगों के बीच में? लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ वगैरह में यहाँ बिल्कुल लैंडस्लाइड एरियाज हैं, वहां इलेक्शन मेन इलेक्शन हो जाते हैं असेंबलीज के, कितने बड़ी तादाद में लोगों ने आके वोटें डाली, जगह जगह हम कहते हैं सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां वोटें डाली जाती हैं, 35 के लिए लॉ एंड ऑर्डर? क्या चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन इतनी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम है, इतनी नकम्मी है? वो मैं समझता हूँ नहीं है, वो नहीं है नकम्मी,
मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे अफसर यहाँ आते हैं, लेकिन उनपे जबरदस्ती करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दबाव डाला उस पर जिनको ये करना पड़ा। फिर हमें हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने बहुत उनको डांट लगाई अच्छी। उसके बाद तारीख उन्होंने 30 की जगह 6 तारीख फरवरी की जगह उन्होंने 6 कर दी। अब 3 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को बिल्कुल क्लियर है हमारे लोग साथ इकट्ठे हैं, कहाँ है इनके पास नंबर्स। लेकिन मुझे भी ताज्जुब हो रहा है जो बात आपने कही, इनके तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी यहाँ आयोग में वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि कुछ भी होगा हम चुनाव जीतेंगे। कहाँ से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, या क्या और गड़बड़ उनके दिमाग में है? दे हैव समथिंग अप इन दिस अप देयर स्लीव्स। क्या चीज वो कहना चाहते हैं, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही जो आज तक देते आ रहे हैं, फितरत है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने मध्य प्रदेश में यही किया, सर उस वक्त बनी हुई सरकार गिराई उन्होंने। उसके बाद गोवा में जब कांग्रेस की सीट नंबर ज्यादा आई थी इलेक्शन में, उनके कम आई थी, रात को ही उन्होंने वोट दिलवा दी। और ऐसे फिर उसके बाद महाराष्ट्र में अब हुआ, नॉर्थ ईस्ट में यही होता रहा। क्या कुछ ऐसा ही है उनके दिमाग में कि कुछ भी होगा हम ये चुनाव नहीं होने देंगे? जब लोग तंग आ जाएंगे, क्या वो लोगों को धमकी दे रहे हैं कि वो इसको जो हमारे कॉरपोरेशन है इसी को डिसॉल्व कर देंगे? ऐसे डराया जाएगा लोगों को, कहा जा रहा है लोगों के पास संदेश जा रहे हैं कि आपके 3 साल पड़े हैं कि हम तो डिसॉल्व कर देंगे, हमारे पास अधिकार है। लोकतंत्र ऐसा होता है, लोकतंत्र में ये होता है काम, कुछ भी वो कहें कुछ भी करें ये चुनाव नहीं जीतेंगे, उसके बाद जो अगला कदम वो उठाएंगे हम उसको देखेंगे। सर कांग्रेस को अगर बात करेंगे, ये पार्षदों की ईमानदारी पे कोई शक है बिल्कुल कि वो उन्हें आउट ऑफ द यूटी से बाहर शहर में लेके जा रही है? अपने वार्ड्स में नहीं हो, अगर किसी पब्लिकली किसी को कोई काम पड़ता है उनके वार्ड में बंद हो, वोटर्स को मतदाता हो, तो वो उसे ढूंढ रहा है कि हम नहीं ढूंढ रहा। 10 दिनों के लिए कुछ नहीं ऐसा होता। मैंने इतने लंबे समय से यहाँ देखा है, कॉर्पोरेशन के काउंसलर्स के साथ भी डील किया है, कॉर्पोरेशन में भी बैठा हूँ, 10 दिन में कुछ ऐसा होने वाला नहीं होता। वो SHO नहीं है कि उनको किसी वक्त कोई जरूरत पड़ गई उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाना है और SHO गायब है, या वहां मुंशी नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने काम मीटिंग पे करना होता है, 1 महीने के बाद तो मीटिंग रखते हैं, किस किस काम के लिए कॉर्पोरेशन के पास जाके उनको क्या अधिकार दिए हुए हैं कि किसी के कुछ भी हो जाए वो उनके पास जाएगा काउंसलर और काउंसलर उसका काम करवा देंगे? कहां है ये बात? ये कोई ऐसी बात नहीं, हमने जरूर उनको इकट्ठे रखा हुआ है, क्योंकि हमने ये देख लिया 16 तारीख को जो तमाशा इन्होंने किया। हमारे जो कैंडिडेट मेयर के लिए थे जसवीर बंटी, इन्होंने विड्रॉ करने के लिए वहां आए थे, 1.5 घंटा सेक्रेटरी नहीं पहुंचे, जब उनको बुलाना नहीं बनता था उनको दूसरी बात, लेकिन हम फिर भी गए, पालना करना चाहते थे आदेशों का। वहां उनके पिताजी को बरगला कर गलत फलत उनको बढ़ा करके आप एक लड़के को किडनैप कर रखा है, वो वहां गए तो देखा हंस खेल रहा है लड़का, लड़का कोई नाबालिग था, वो 35 साल का लड़का है, पिछले इलेक्शन लड़ा था आज से 7 साल पहले, इसी इलेक्शन को लड़के वहां से जीता है, उसने कहा मेरे साथ क्या है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदरवाइज कुछ नहीं, उससे बचने के लिए हम जरूर उनको रखेंगे इकट्ठा। अब मैं बहुत ज्यादा बातें तो किसी वक्त फिर कहूंगा, उनका आज के दिन इस वक्त भी प्रयास जारी है बीजेपी का, सभी को कर रहे हैं, उनका एक मेरे को भी फोन कर रहा है, मैंने एक दिमाग में नहीं रहा कि उनका ये आदमी बीजेपी का आदमी है। किसी वक्त मेरे पास भी यहाँ आया हुआ था, मैंने देखा जो पेंडिंग नंबर्स पड़े होते हैं तो उसमें मैंने देखा कि वो मिस्ड कॉल पड़ी है, मेरी आदत है, कोशिश करता हूँ बाद में उनको कॉल करूँ। जब कॉल किया मैंने पूछा कैसी हुआ, मैं समझा कि किसी की कंफ्यूज हो गया थोड़ा, मैंने समझा किसी की शादी थी वहां दिल्ली फरीदाबाद वहां जाना है, मैंने कहा मैं आ तो सकूंगा नहीं, वो भी बल्कि उलझन में पड़ गया, मेरे लिए पास मंजिल नहीं कैसे आना था। तो कहते मैं जी, तो कहता मैं एक बात करनी है आपसे कॉरपोरेशन के प्रति, मैंने कहा ना मैं हम कॉरपोरेशन में बिजी हैं, उन्होंने कहा कॉरपोरेशन की एक बात आपसे करनी है इलेक्शन की, आप आना चाहते हैं? मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, मेरे दिमाग में आया भी कौन मेरे से क्या बात करना चाहता है, उस समय तो था इतनी उसकी नहीं। फिर मैंने पता किया अभी आजकल कहाँ है ये सज्जन, उन्होंने किया जी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए कोशिशें करने पे। मैंने आज फिर फोन कराया, घंटी पड़ी है मेरे पास, मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मेरे को भी कोई उनका कोशिश कर सकता है मेरे पुराने तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए किसी वक्त कि इनसे बात करें, आप नहीं समझते उन्होंने कहाँ कहाँ फोन क्या क्या किए हुए हैं, कैसे कैसे उनसे संपर्क बनाने की बात हो रही है, क्या क्या उनको कहा जा रहा है, कैसे कैसे उनको क्या क्या लालच लोग क्या कुछ नहीं दिया जा रहा, क्या क्या कोशिश नहीं कर रहे। सर अगर बात करें मेयर चुनाव की तो क्रॉस वोटिंग हुई है लास्ट टाइम, आपने भी 2 बार नगर निगम चुनावों से दूरी बना के रखी, ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपको इंटरेस्ट जाग गया कि मेयर आपका हो डिप्टी मेयर से, ये बीजेपी नहीं आनी चाहिए? क्या है कि लोकसभा में एक इस चीज का फर्क पड़ेगा कि अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन जीतता?
लोकसभा पर जब समय आएगा लोकसभा का तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन ये सत्य है, ये एक तथ्य भी है कि जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन बना है ऊपर, उसमें ये पार्टीज दोनों हैं। अभी वहां समय लग रहा है, वहां ये भी था मैं पहले कह दूं कि वहां आपस में समझौता होगा सीट शेयरिंग का एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ हमने 2 साल गैर हाजिर रह के भारतीय जनता पार्टी का बनने दिया, एक मेंबर उनका है ना, सिर्फ एक ज्यादा था ना भारतीय जनता का, उसके कारण 2 बार ऐसे ही बन गए वो। तो हमने सोचा बार बार ऐसे ही बनते रहेंगे, अगर हम दोनों इकट्ठे होके उनको साइड पे कर सकते हैं, लोगों को पता लगे ये लोकसभा की यहाँ बात आ जाती है जरूर, वो फिर कहते देखो हम बड़े जोर से बन रहे हैं, हम कैसे लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी को जीतने देते, कैसे जीतने देते अगर हम कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं कानून तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से वाजिब तरीके से, कि 13 और 7 इकट्ठे हुए, 13 वालों ने ऊपर एक पोस्ट ली, 7 वालों को 2 पोस्ट दी, हमारे सीनियर डिप्टी बने, हमारे डिप्टी बने हमें, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमने 2 वर्ष पहले ये खो दिए। बीजेपी का आरोप ये भी है कि ये इंडिया गठबंधन ही दो लोगों के बीच का समझौता है, राघव चड्ढा और पवन कुमार धनसे के बीच का, हम दोनों मिले जरूर लेकिन समझौता नहीं हमारा, 2 पार्टीज का लोकल लेवल पे समझौता है। तो जैसे पंजाब में अब इंडिया गठबंधन को मना कर देंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी आम आदमी अलग लड़ेगी, तो चंडीगढ़ में आपको क्या लगता है उसका कोई फर्क नहीं है, किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग या कोई रेमिफिकेशन उसका असर प्रभाव किसी ढंग का कुछ नहीं। पंजाब में हमारी यूनिट ने सभी सीनियर लीडर्स ने अच्छी जोर से कह दिया कि हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, हम यहाँ चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं, पिछली बार ठीक है हम नहीं जीत पाए लेकिन माहौल बदल चुका है, हम अपने आप जीतेंगे। भारतीय वो आम आदमी वाले अपनी बात करते हैं, दोनों का अपना अपना नजरिया है, अपने अपने व्यूज हैं। तो अगर हमारे लोगों ने यहाँ कहा और ऊपर हमारे केंद्र में लीडरशिप ने उनसे बात की, जो कमेटी बनी है हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है अलायंसेस के लिए, अलग अलग पूरे देश में अलग अलग प्रांतों के हिसाब से वहाँ मेन स्टेक होल्डर्स कौन है उनसे बात करने के लिए, कौन सी पार्टी के साथ करनी है वो हो रहा है। दोनों ने अगर अपने पार्टी हमारे इन्होंने सभी ने हमारे लीडर्स ने वहाँ 5 सदस्यों को ये कन्वे कर दिया कि उनको जाके मिलके कह दिया कि हम यहाँ नहीं चलना चाहते, और मैं ये जानता हूँ कि हमारे हाईकमांड सर बात पर नीचे यूनिट से बातचीत करने के बाद फैसला लेते हैं, तो बात वहाँ चल रही है, हमारे भी वहाँ उन्होंने कहा है हम नहीं करेंगे, इस पर उसका क्या प्रभाव हो अगर मान लीजिए वो हो रहा है। अब मैं फिर वही सवाल जो भी मैंने पहले जिसका जवाब दिया था, क्या हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीतने देते इसके कारण, फिर तो आपस में हम यहीं से काटा लगा देते आगे को। पंजाब भी तो सिर्फ एक नहीं है और जगह भी एक एक कुछ ना कुछ, दिल्ली का सवाल है, दिल्ली सीट्स हैं, दिल्ली दोनों आपस में शायद हो जाएगा, आपस में मैं शायद कह रहा हूँ, मुझे नहीं मेरा ख्याल हो जाएगा, मैं ये भी कह सकता हूँ साथ थोड़ी बहुत जितनी इल्म मुझे है खबर है शायद हो जाएगा वहां, तो हमें यहाँ से काटा लगा देते यहाँ, मुझे पंजाब का नहीं पता। लेकिन मुझे उनके हमारे पंजाब के सदस्यों की, चंडीगढ़ में रहता हूँ, पंजाब में पॉलिटिक्स पहले किसी वक्त की है बहुत पहले, सभी साथ दोस्त हैं साथी हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, वो इसके विरोध में है, लेकिन हमने तो एक लिमिटेड एक सीमित तौर पे यहाँ चंडीगढ़ के लिए मेयर के लिए ये फैसला किया कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देंगे, वो विला वजह बाई डिफॉल्ट हम बाहर होते हैं वो जीत जाते हैं। हम भी ऐसे लोग हमें पिछली 2 बार ये सवाल करते थे जैसे आज आप कह रहे हैं सवाल करते हैं कि कांग्रेस का यही काम है, कांग्रेस गैर हाजिर हुई रहेगी, गैर हाजिर हुई रहेगी, तो हमें भी वो बातें उनकी सुनकर असर पड़ा अपने दिमाग पे कि हम गैर हाजिर क्यों हो, हम क्यों ना अपने 2 मेंबर्स बनाए उनको ऑफिस मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर हमारे होंगे। सर आप पूर्व सांसद रह चुके, तो मैनिफेस्टो बहुत चुनाव में महंगे लगते हैं और लोग कहते हैं कि वादे तो बहुत किए जाते हैं, ज्यादातर सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं उतर पाते। तो सर इस बार जो कांग्रेस लोकल आप लेवल पे मैनिफेस्टो तैयार करेंगे उसमें एक अहम मुद्दा, आप कौन सा मेन मुद्दा है जो आपको लगता है कि शहर में आप गंभीरता से लेंगे इसको? एक तो सभी का सम टोटल होगा कि देश हमारे भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ को फेल कर दिया है, उन्होंने सब उसमें एक चीज सब में आ गई, उसमें आगे क्या आएगा, इन्होंने 56 पिछली बार वादे किए थे यहाँ 2019 में और ऊपर लिखा था संकल्प पत्र, वो श्रीमती किरण खेर का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का था, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके तरफ से था और ये लिखा हुआ था कि ये संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय संकल्प पत्र के साथ पढ़ा जाए, और वो 56 का मैंने आपको दिखाऊंगा किसी वक्त उनका कंपैरेटिव चार्ट, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ, और अब मेरे पे आ जाइए
जब मैं था पहले 2009 में और 9 में जितना था 14 रहे थे, 2009 में जो कही थी चीजें निकाल के देखिए क्या क्या हुआ है उसमें और क्या क्या प्रयास हुए। कोई ऐसी चीज नहीं थी चंडीगढ़ के से जीवन से ताल्लुक रखती जिसको मैंने छुआ नहीं था, जिसपे कुछ नहीं किया था। बड़े जोर से फंड्स लाए थे, पीजीआई ने क्या कुछ एडवांस सेंटर्स बने, सड़कों के लिए अलग अलग लाए, छोटी छोटी चीजों को भी मैं कहूँगा अगर वो था। ये कहेंगे ये स्लिप रोड्स तो पुरानी बात हो गई, स्लिप रोड्स का भी मैंने सजेस्ट किया था, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। जब रश देखता था मैंने कहा जी इसको ऐसे ही क्यों नहीं निकाल देते हम बाहर देखते, मुझे स्लिप रोड वर्ड नहीं पता था। तो जयरस जी थे चीफ इंजीनियर थे, स्लिप रोड स्लिप रोड, लेकिन ऐसे एक एक चीज का ध्यान रख के कहते थे। चौकों पे लाइट्स का सवाल आ गया, आएगा एमपी के दिमाग में चौकों की लाइट्स का। चौकों पे लाइट्स मैंने लगाई, मैंने कहा कहते नहीं लगती चौकों पे, मैंने कहा जाके वहां देखो कड़ी बड़ी मार्ग पे दिल्ली सब जगह ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ चीज थी उसके हिसाब से यहाँ उसको लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बेशक एयरपोर्ट की बात थी, इधर नया एयरपोर्ट बना बाद में उन्होंने इंटरनेशनल, वो भी हमारे समय शुरू हो गया था, लेकिन उसमें पंजाब हरियाणा और यूनियन टेरिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी का मिलके था। उसमें ये था कि उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी, वहाँ का इंटरनेशनल के लिए वो होगा, डोमेस्टिक के लिए ये होगा। जब इनकी सरकार आई पूरे का पूरा वहाँ लेके, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ एक थे नहीं, इतना तो यही पुराना है जो नया बना था इधर, लेकिन पुरानी जगह भी यही हैंडल कर सकता था। किस बात के लिए इतने पैसे लगाए इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से चली, टूरिज्म का यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ उसके लिए था कुछ बात, ये मेन नहीं है लेकिन कुछ अहम है, फिल्म सिटी बनाई होती है ना, यहाँ अम्यूजमेंट पार्क बनाया होता है, इन चीजों के साथ टूरिज्म बढ़ती और टूरिज्म के नाम की कोई चीज नहीं। चंडीगढ़ इतना बड़ा है कि हमारा हेरिटेज सिटी है, क्या किया है इन्होंने, हेरिटेज तो उसका खराब कर रहे हैं। सर कांग्रेस जो इस बार लोकसभा चुनाव में लोकल लेवल पे मैनिफेस्टो जारी करेगी, क्या उससे पहले पब्लिक की राय जानी जाएगी और किस तरीके से कुछ लगातार जानते रहते हैं, कोई दिखावे के लिए करने की जरूरत नहीं कि हम एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट दें कि हम आप बोलें। मैं अगर आपके पास और समय होगा इसके बिना कह सकता हूँ क्या क्या लोगों के विचार कहाँ कहाँ हैं, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से पॉइंट्स नोट करता हूँ। कल था इधर सुंदर नगर जो है उसमें थे तो हम गणतंत्र दिवस पे लोगों ने क्या क्या चीज़ें कहीं नोट कर रखी हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए डालेंगे। ऐसे ही हम धनास गए एक बार, धनास की सब नोट कर रखी हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं और दफ्तर में आते हैं लोग सभी से जो रोजाना चर्चा होती है उससे वो मुद्दे आते हैं। और चंडीगढ़ में इतने वर्ष हो गए मुझे, अब कोई ऐसा नहीं कि जिस चीज़ से मैं वाकफ ना हूँ, यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं वो मेरे यहाँ 56 तो पहले उनका हिसाब उनसे मांगेंगे, फिर अपने बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ। ये इतना बड़ा हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, इधर हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स हैं, लोगों के तंग आ गए हैं, थक गए हैं वो लोग कहते हुए कि हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी नीड बेस्ड चेंजेस हमने किए हैं, उसके लिए परेशान हमें मत कीजिए, उनको रेगुलेट किए। एक चीज मैंने करवाई थी उस वक्त 2014 तक, उसके आगे बढ़े थे, मैंने कहा अच्छी बात है अगर आगे बढ़ के कुछ और कर रहे हैं, लेकिन एकदम एक ऐसा ऑर्डर निकाला उसके बाद सबके सब खत्म, अपने भी जो बनाए उनको नीट ही रहते हैं वो भी, और बीच में जो हमने दिलवाई थी 2014 से पहले वो भी बीच में सब खत्म कर दी। कौन जाने का, मैं समझता हूँ मैं एक एक चीज जानता हूँ कर पाएंगे। जी सर चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है देवेंद्र सिंह बबला वो भी आपका समर्थन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं किसी तरह का, वो हमारे से किस कारण गए मुझे ये नहीं मालूम। मुझे पता लगा थोड़ा बाद में कि शायद उनको वायदा किया गया था कि उनके जो मेंबर हैं मिसेस बबला वो मेयर बना देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, बाहर से आए वालों को कुछ देते नहीं, छोटा सा कुछ दिए रखते हैं। अगर उनके 5-7 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से एक बबला जी को बना दिया, लेकिन मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं किसी तरह का। मैं संपर्क अपने पार्टी के लोगों से रखता हूँ, कोई ऐसी इंट्रीग इधर उधर की घूम फिर वाली कोई जो कहते हैं ना चलाकी वाली इधर उधर का पॉलिटिक्स कभी नहीं की, सीधी रखता हूँ, स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, अपने पार्टी वालों से ताल्लुक रखता हूँ, जो हमारे सपोर्टर्स हैं पार्टी वालों से ज्यादा तो बात सपोर्टर्स हैं जिनके कारण लोग वोटें पड़ती हैं इतनी बड़ी, उनसे संपर्क रहता है। अगर कोई भी उधर से भी मुझे आपस में उनके झगड़ों के कारण मुझे समर्थन देगा तो मैं क्या उसको इनकार करूंगा फिर से कोई भी हो, लेकिन इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं। सर कोई भी पार्टी है हम देखते हैं कि वरिष्ठ नेता से लेके काउंसलर्स ये समर्थक मिलवा लीजिए पार्टी बदलते हुए मिनट नहीं लगाते, क्या कारण रहता है कि वो पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं होते या किसी लालच में लोभ में आ जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आपने रेज किया है, ये बहुत वर्ष पहले सवाल हुआ था जब भाया राम या राम से वो शुरू हुआ था, उसको कहते हैं पोलिटिकल हार्लेट्री, वैश्यावृत्ति, मतलब शब्द ऐसा हार्लेट्री का वो बनता है, ये राजनीतिक वैश्यावृत्ति,
ऐसा माहौल बन गया था देश में, इसके लिए उस वक्त ये कानून बनाया था संविधान में 10th शेड्यूल कि अगर कोई आदमी पार्टी अपने छोड़ के दूसरी जगह जा जाता है तो अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, अगर उसको पार्टी एक्सपेल कर दे तब नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं पार्टी का एक सदस्य हूँ, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हो, मुझे बुला के कहे पवन आई डोंट लाइक योर फेस, चल निकलो बाहर, अगर मेरी सदस्य था वो उससे खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मुझे एकदम रिजाइन करना पड़ेगा, छोड़ेंगे अगर 1/3 हिस्से से छोड़ते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया समय के साथ, फिर ऐसा किया कि नहीं 1/3 नहीं 1/3 इकट्ठे हो जाते थे, 6 मेंबर हुए तो 1/3 का मतलब 2 हो गए, 2 इकट्ठे हुए, 4 में से वो छोड़ गए, फिर अगली बार 4 रहेंगे उसमें से फिर छोड़ गए, इस ढंग से तरीका ढूंढ लेते ना, दिमाग बहुत तेज है इंसान का, तो उसको जब हुआ तो फिर इसका भी 2/3 छोड़ के जाएंगे, अब 2/3 से काफी उसके बाद ठीक हुआ है, 2/3 हिस्सा अगर मेंबर छोड़े, 60 में से 40 मेंबर एकदम छोड़े तब पार्टी अलग बन सकती है, वैसे नहीं हो सकती। उसके और कई पहलू हैं कि पार्टी का मतलब क्या है, हाउस के अंदर की पार्टी है क्या, बाहर वाली पार्टी है, अंदर तो उसको जैसे कहते हैं लेजिस्लेचर पार्टी, बाहर पूरी कांग्रेस, पूरी कोई पार्टी, कोई कोई मुद्दे दूसरे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अफसोस से कह रहा हूँ ये वहां वाली चीज कॉरपोरेशन वगैरह में नहीं है, 10th शेड्यूल जो संविधान का है वो सिर्फ लोकसभा और असेंबलीज के लिए है और किसी के लिए नहीं, और उसके साथ साथ राज्यसभा के लिए मतलब जो होते हैं MPs के लिए, तो ये दूसरा नहीं है, ये एक कमी है। लेकिन जब ये मैं तो इस वक्त नहीं हूँ किसी जगह लेजिस्लेचर में, इसको अगर लोग चाहें लेजिस्लेचर को ठीक कर सकते हैं, मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में बड़ा शहर है, बहुत बढ़िया है सब इसका, इसमें रहें, जब मेयर इन काउंसिल की भी बात करते हैं यहाँ के रिफॉर्म्स किए जाएँ, तो उन रिफॉर्म्स के साथ साथ मेयर इन काउंसिल के साथ साथ ये भी रिफॉर्म हो जाना चाहिए कि अगर वो कोई पार्टी को छोड़ता है तो वहाँ से रिजाइन करे, अपना इलेक्शन छोड़े, फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ना, इलेक्शन छोड़ रहा हूँ मैं, अगर बदल रहा हूँ तो इलेक्शन छोड़ रहा हूँ, तो फिर भी छोड़ कर। तो सर यही मेरा सवाल है कि जब कोई इंसान कोई पार्टी बदलता है तो उसकी विचारधारा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो एक तरह से वोटर्स से वो धोखा है, वोटर्स ने एक पार्टी कांग्रेस होगी चाहे बीजेपी होगी उनकी विचारधारा को वोट की है, जब कोई प्रतिनिधि जनता का चाहे वो काउंसलर है चाहे वो सांसद है वो जब अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी विचारधारा चेंज होती है, तो इस तरह तो वोटर्स के साथ धोखा हुआ सर। देखो मतलब इस पे मैं बहुत ज्यादा और उनके कमेंट करूंगा वो वाजिब नहीं होगा, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि आदमी पार्टीज क्या है आइडियोलॉजी पे बनी होती है, ये सिर्फ पावर सीकिंग नहीं होता, आपने सत्ता हथियानी है, सत्ता में आना है, सत्ता में रहना ही है, कुछ भी हो उसके लिए नहीं होता, वो एक एम होता है, दुनिया भर में है, बड़े बड़े देशों में एडवांस नेशंस में भी है, वहां ट्रंप पे क्या क्या इल्जाम लगे थे कि क्या उन्होंने चुनाव में करने लगे थे, सब जगह सब कुछ है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में खराब है, सब जगह सब चीजें हैं, लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि एक आइडियलिज्म एक आदर्शवाद के तौर पर ये नहीं होना चाहिए, जिस पार्टी में आप आइडियोलॉजी के साथ आए हैं रहे हैं उसमें उसी में के साथ लगे रहिए, कुछ मिले ना मिले कैसा भी हो, और अगर कोई फर्क आपका आइडियोलॉजी से पड़ता है, कोई किसी कारण आप देखते हैं कोई मतभेद है और आप छोड़ के अपनी पार्टी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हो, तो कम से कम अपने वो जो उस पार्टी के सर पे आप बने हो वो सीट तो छोड़ दो ना, बस इतनी बात है इसमें। अब लेकिन सब ये निजी सभी का फैसला है, अपना अपना इंडिविजुअल फैसले हैं, इसमें मैं किसी के लिए कोई ऐसा जजमेंटल होके मैं फैसले दूं वो वाजिब नहीं है। तो सर इस चाहे वो मेयर चुनाव है कि हम काउंसिलर चुनते हैं चाहे हम लोकसभा में कोई सांसद चुनते हैं, वोटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह जो दल बदलते हैं पार्टीज बदलते हैं उनसे कैसे कैसे उनको परखें और क्या सोच के क्या देख के प्रतिनिधि को वोट करें। मेरा आज के दिन से यह है कोई मैसेज से एकदम पूरे देश में या चंडीगढ़ में भी कोई अंतर आने का नहीं है, शुरुआत में अपनी अपनी सीमाएं जानता हूं अपनी लिमिट समझता हूं, मैं अपना विचार अपने प्रति कह सकता हूं, वी डोंट ट्राई टू रिफॉर्म अदर्स, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, बी गुड योरसेल्फ, अपने आप ठीक रहने की कोशिश करो, अगर वो ठीक रहोगे आप काफी बड़ी बात होगी, बस मैं तो इसमें ये कह सकता हूँ कौन क्या करता है कैसा, सभी को अपनी अपनी जगह पे देखना है, कमेंट्स होते हैं लोग बातें करते हैं, लेकिन अपना अपना मसला है सभी का, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को करना नहीं चाहिए, जो बेसिक सिद्धांत हैं राजनीति के एक अच्छे के आइडियोलॉजी पे पार्टीज बनती हैं, विचारधाराओं पे पार्टी होती हैं, प्रोग्राम्स पे पार्टीज होती हैं, सिर्फ सत्ता के बेसिस पे नहीं होती, इधर से सरकार बनी इधर आ गई उधर से सरकार बन रही है उसमें जाइए, ये नहीं होना चाहिए। आज हमने पूर्व सांसद पंकज बंसल जी के कई सवालों के जवाब में विचार समझे, और नतीजा यही निकलता है कि कोई भी वोटर अपनी वोट देने से पहले
अपने जिस भी प्रत्याशी को वो वोट देना चाह रहा है उसका चयन करते हुए कई काफी सावधानी बरते, खाली जो वो वादे कर रहा है उस आधार पे वोट ना देखे, उसका बैकग्राउंड देखे, कितनी पार्टीज बदली है उसने और क्या उसका बैकग्राउंड रहा, क्या अनुभव है। भरत अग्रवाल, चंडीगढ़ दिनभर से, कैमरामैन रवि कुमार का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।